दोस्तों सब तो पहला तुहानू सारयां नू सलाम अदाब नमस्कार सत श्री अकाल। जिहड़ी भी भाषा धर्म स्टेट खिता तुसीं वसते रहिंदे हो बोलते हो उस भाषा विच असीं कोशिश करांगे आउण वाले कुछ दिनां विच अड्ड अड्ड भाषावां विच तुहानू मुखातिब होया जावे। ते मैं बलजीत परमार तुहाडे लई लै के आ रहा हाँ अपनी अपनी यूट्यूब चैनल, बड़ा सिंपल जहा नाम है तुहाडे याद रहने वाला बलजीत परमार फॉर यू। देखो और अपने विचार भी दो, सुनो दूसरों नू भी सुनाओ और साडे नाल एक राबता इस चैनल नाल बना के रखियो। मैं हर हफ्ते एक बारी या दो बारी तुहाडे हुंकारे ते मनसर करदा हाजिर होया करांगा तुहाडे सामने और आपां गल्लां करिया करांगे उस जिंदगी दियां जो मैं 70 साल इस दुनिया च भोगी, 45 वरे बंबई च गुजारे, अड्ड अड्ड कित्यां विच कम्मां विच, पर बहुता समा मेरा जिंदगी दा लंघिया पत्रकारिता विच, अंग्रेजी अखबारां च टैलीविजन ते रेडियो ते कम कीता और बहुत कुछ सिखिया देखिया समझिया हड़िया पढ़िया गढ़िया और सारियां चीज़ां एक एक करके एक एक दिन एक एक पहर किवें बीतिया किवें गुजरिया वो मेरे जहन तक तक मैं सामभ के रख्या होया, जिहड़ा मैं कोशिश करांगा पूरी शिद्दत नाल इमानदारी नाल तुहाडे सामने पेश कीता जा सके। बहुत कुछ है सीखण लई दुनिया च, जिवें मैं सीखिया मैं चाहुंदा कि मेरे सारे भैण भरा चाहुण वाले मेरे वड्डे बजुर्ग मेरे छोटे बच्चे जिंदगी च कुछ वो कुछ कर सकन जो वो इमानदारी नाल मेहनत नाल करन दी सोचदे आ। और मैं एक एग्जाम्पल हाँ अपने आप च, मैनूं मेरे अपने उपर एक ही माण है कि मैं अपने दामन ते कदे कोई दाग नहीं लगण दिता अज तक। यही मेरा सरमाया है, यही मेरी पूंजी है। बंबई दे 1976 विच जा के 10x10 दे छोटे जे घर विच रह के किराए दे घर विच रह के 540 महीनिया च मैं 570 स्केयर फुट दे घर च रह रहे अज भी और बड़ी तसली है बड़ी खुशी है। अपना घर अपने पैसे ना बनाया होया, अपनी इमानदारी की कमाई अपनी लगन की एक मेहनत का फल, यह मेरी सब तो वड्डी पूंजी है। पंजाब तो जब गया से बिल्कुल सोच के नहीं सी गया कि मैं मुंबई जाके की बनना। मैं एक साहित्यक मीटिंग अटेंड कर गया 1976 विच 25-26-27 दिसंबर नूं। उस तो पहला पंजाब यूनिवर्सिटी च मैं पढ़ता रहा, चंडीगढ़ के स्कूलों च पढ़िया, चंडीगढ़ के कॉलेज च पढ़िया, बहुत पढ़ाई की, किताबा पढ़ने का शौक सी, बाद च जिंदगी पढ़ने का शौक हो गया, भंगड़े भी पाए, स्कूल च दौड़ा भी लाइया, कबड्डी भी खेडी, लड़ाई झगड़े भी किए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लाइफ लीडरी भी कर ली, वह भी चंगी लगती सी उस जमाने, स्ट्राइक्स कीतियां, बसा के शीशे भी तोड़े हो गए लोगों ने मरल के, पुलिस ने केस भी बनाए वापस भी होए। बस कहने का मतलब थी कि जिंदगी हर वो चीज हर उम्र के पड़ा से जो उस वेले साढ़े समय का हानि हों समय की लोड़ सी वो करते रहे और उस तजर्बे चो निकल के जदों प्रदेश जाके एक स्ट्रगल करने का मौका आया तो यह सारिया गल्ला मेरे बहुत काम आईया। तो भरावो गल यह है कि ये मैं जो मेरी इंटरव्यूज होंदिया सी डिफरेंट चैनल्स से न्यूज़ पेपर और दूसरे साधना से कॉलेज यूनिवर्सिटी लैक्चर होने सहत सभावान मीटिंगा होनिया तो कितना कितने मैं लगता सी कि एक घाट हमेशा समाज रही है वो रही है सच्चे सुनेह की। सू बर्थडे ग्रीटिंग बहुत मिलती एनीवर्सरी ग्रीटिंग मिल जांदियां, चंगा बिजनेस दा नवा घर खरीदण दियां मुबारकां मिल जांदियां, पर एक सही जीवन दी ग्रीटिंग जिहड़ी है वह बहुत घट मिलदियां। मैं जिंदगी नूं हमेशा ग्रीट करदा, इहनूं मैं जीआं आ कहना हमेशा, हर दिन मेरे लिए एक नवा दिन हुंदा है, एक नवा सुनेहा लैके आउंदा है ते मैं तुहाडे नाल सारे उह सुनेहे जो मैं हंडे वरते उह तुहाडे नाल सांझे करिया करांगा। हफ्ते च एक दिन दो दिन
और ये सिलसिला उदों तक चलता रहेगा जदों तक रोज नवीं समस्यावां साडे सामने आउंदियां रहणगियां, नवे हालात बनते विगड़ते रहणगे, नवे चैलेंजेस साडे सामने आउणगे, नवे मनसूबे साडे लई उलीके जाणगे, नवीं लहरां पिरतां पैणगियां। और यह सारा कुछ समेट के सीधे साधे आसान साफ ईमानदार लफ्जां नाल सच्ची रूह नाल साफ दिमाग नाल सही बोली नाल मैं तुहाडे सामने हाजिर हुंदा रहांगा। और कृपा करके अपने तुहाडे अपने सर्कल विच, अपने आले दुआले समाज विच इह सुनेहा जरूर पहुंचाओ कि जिंदगी अगर ईमानदारी मेहनत लगन नाल जी जाए तो बहुत चंगी जी जा सकती है, नहीं तो भटकना तो बहुत हुंदियां ने जिंदगी च। इस करके मैं जो बाकी मेरे जिंदगी के दिन बचे है जिन्हें एक भी है गे, वो मैं लोगों के लेखे लाने चाहना। एक जो खजाना एक दौलत मेरे को है मैं वंडनी चाहना। मेरे को कोई बैंक बैलेंस नहीं जो मैं दान कर सका, मेरे को जमीन जायदाद नहीं जो मैं किसी के ना ला सका। मेरे को यही मेरे कुछ गुण हुनर है मेरे को, मैं थोड़े न साझा करना चाहना। आस है थोड़े वालों भरपूर हंगारा मिलेगा। यह बलजीत परमार फॉर यू चैनल जी है ये थोड़ी अपनी चैनल बनेगी, थोड़ा साथ मिलेगा, थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा, थोड़िया आसीसा मिलनगियां। और मेरे नाल थोड़े नाल मिल के एक जी साझी बरकत असं समाज च लिया सकते हैं वह लिया की कोशिश करांगे। इस चैनल का पहला प्रोग्राम असी शनिचरवार शाम को 8 बजे लैके मैं थोड़े सामने हाजिर होवांगा और दूसरा प्रोग्राम मंगलवार को इसे समय होगा। और अगे तो हर हफ्ते विच दो बारी याद रखो, फिर एक बार मंगलवार शाम को 8 बजे ते शनिचरवार शाम को 8 बजे बलजीत परमार हाजिर होगा तुहाडे नाल बलजीत परमार फॉर यू चैनल ते। और तुसी इस चैनल नू इस प्रोग्राम नू अपनी ईमानदारी नाल अपनी सूझ नाल जरूर शेयर करो, इनू सबसक्राइब करो। कोई पैसा नहीं लगता, ना असीं कोई पैसा कदे किसे तों लैणा, बस तुहाडा आशीर्वाद, तुहाडी शेयर, तुहाडियां लाइकिंग ते तुहाडी सबसक्रिप्शन जिहड़ी है उह साडे लई सब तों वड्डी दौलत होवेगी। तुहाडे हुंगारे नूं सामने रखदे होए जो तुहाडे विचार होणगे, जो तुहाडे कमेंट्स होणगे, जो तुहाडा तबसरा होएगा साडे प्रोग्राम नाल, वो तुसीं जरूर शेयर करना ताकि आने वाले प्रोग्राम च मैं तुहाडे उन्हां सवालां दे जवाब दे सकां, तुहाडे नाल कीतियां गल्लां शेयर कर सकां, तुहाडे विचारां नूं तुहाडे हम ख्याल लोकां तक पहुंचा सकां। क्योंकि इह मेरे कल्ले दा कम नहीं है, तुहाडा भी कम है। आपां मिलके इस चैनल नूं अगे वधाउणा, तो तुहाडे जिहड़े विचार होणगे, तुहाडे कमेंट्स होणगे, वो मेरे लिए मेरा फीडबैक है और मैं उन्होंने तहे दिल ईमानदारी उन्होंने स्वीकार करांगा। तो सारे सवालों के जवाब देने मैनू बहुत खुशी महसूस होगी।